मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित पीतांबर पीठ एक तीर्थ स्थल है। इसके चलते केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जैसे नेताओं के लिए दतिया तीर्थ स्थल बन गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और 7 बार के विधायक नरोत्तम मिश्रा का यह गढ़ भी है। एमपी विधानसभा की दतिया सीट हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। बीते रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत के मौके पर यहां पीतांबर पीठ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। कांग्रेस ने दतिया में बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को शिकस्त देने के लिए आरएसएस के पूर्व पदाधिकारी और बीजेपी के बागी को मैदान में उतार दिया है। जो आरएसएस की रणनीति और बीजेपी के दाव पेच अच्छे से समझते हैं, कांग्रेस के दतिया से प्रत्याशी का नाम है अवधेश नायक। आपको बता दें कि ये वही अवधेश नायक हैं जो नरोत्तम मिश्रा के पिछले विधानसभा चुनाव में जीत के सूत्रधार रहे थे। नायक इसी साल अगस्त में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। हालांकि 3 चुनावों से नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती के समर्थकों ने अवधेश नायक की उम्मीदवारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि कांग्रेस ने एक पूर्व बीजेपी नेता को दतिया में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ क्यों चुना है, इस पर पीसीसी प्रमुख कमलनाथ ने जवाब दिया है और कहा कि हमने पूर्व बीजेपी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, हमने बिना किसी शर्त के उनका पार्टी में स्वागत किया, हमने कहा कि उन्हें स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व का समर्थन होना चाहिए, इसीलिए जब भी किसी अलग पार्टी से कोई व्यक्ति शामिल होता था तो हमारे जिला अध्यक्ष और अन्य स्थानीय पदाधिकारी अनुमोदन के तौर पर मंच पर बैठते थे। खैर, कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि अवधेश नायक को उन सर्वश्रेष्ठ के आधार पर टिकट मिला है जो संकेत दे रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को हराने के लिए सबसे योग्य है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.